हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर, एस्कॉन टेंपल। तो चलिए चलते हैं आगे। तो ये है मंदिर की मेन एंट्री, यहाँ से अब चलते हैं हम आगे। एंट्री पे ही यहाँ पे साइड की दीवार पे आपको बहुत ही सुंदर चित्र देखने को मिलेंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं को दर्शाया गया है। साथ में ही आपको यहाँ पे भगवान नरसिम्हा के चित्र भी दिखाए देंगे। बहुत ही सुंदर कलाकारी आपको यहाँ पे दीवारों पे देखने को मिलेगी। एंट्री से पहले ही आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा शू स्टैंड, जहाँ पे आप अपने शूज वगैरह रख सकते हो। एंड एंट्री पे ही आपको यहाँ पे दर्शन करने को मिलेंगे भगवान विष्णु जी के। एंड यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा हैंड वॉश के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे गार्डनिंग किया था। यहाँ पे बाहर बैठने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस बनाया गया है, बहुत ही अच्छी और शांतिपूर्ण जगह। इस जगह की एक खास बात और ये है कि ये मंदिर अनेक मंदिरों से घिरा हुआ है, मीन्स आपको यहाँ पे बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे श्री राधा कृष्ण टेम्पल। यहाँ पे आपको राधा कृष्ण टेम्पल के साथ साथ रामा मंदिर, भगवान नरसिम्हा मंदिर और एक गौशाला भी देखने को मिलेगी। तो ये है श्री राधा कृष्ण मंदिर। अभी यहाँ पे सुबह का भोग का टाइम है तो थोड़ी देर के लिए मंदिर बंद था। एंड यहाँ पे कथा चल रही थी तो हमने भी यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के कथा का आनंद लिया। किसी भी समय उच्च पद से नीचे गिर सकता है, फिर भी यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा अपने को सदैव शुद्ध तथा स्थिर रखता है तो वह निसंदेह सुरक्षित रहेगा। ओम अज्ञानमिदमिदस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभिस्सं स्थापितम् हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर मंदिर खुलने के बाद हमने भी किए श्री राधा कृष्ण जी के दर्शन। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। इस मंदिर को गंधर्विका गिरिधारी नरसिम्हा मंदिर भी कहते हैं। गंधर्विका मीन्स राधा रानी एंड गिरिधारी मीन्स श्री कृष्णा एंड नरसिम्हा भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। यहाँ पे ऊपर आपको श्री राधा कृष्ण मंदिर देखने को मिलेगा और इसके नीचे आपको भगवान नरसिम्हा जी का मंदिर देखने को मिल जाएगा। टेंपल टाइमिंग की बात करें तो ये टेंपल मॉर्निंग 4:30 से लेके 12:30 तक एंड इवनिंग में 4:30 से लेके 9 PM तक दर्शनार्थी के लिए ओपन रहता है। एंड बीच में भोग के समय 5 से 10 मिनट तक के लिए मंदिर को दर्शन करने के लिए बंद किया जाता है। यहाँ पे भजन कीर्तन समारोह भी होता है, आप चाहें तो उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। यहाँ पे बैठने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, आप यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन प्रेयर भी कर सकते हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। अब यहाँ पे अंदर दर्शन करने के बाद हम चलते हैं यहाँ से नीचे। नीचे आपको मिलेगा भगवान नरसिम्हा जी का मंदिर। तो चलिए चलते हैं। आप यहाँ का दृश्य देख सकते हो, कितनी ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे सजाया गया है। और यहाँ पे सीढ़ियों से उतरते ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा गौ माता जी की ये मूर्ति, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे दर्शन करने को मिलेंगे भगवान विष्णु जी के। और साथ में यह नाग देवता और भगवान विष्णु जी के साथ ही है यहाँ पे माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप। और यहाँ से ऊपर था ये श्री श्री राधा कृष्ण टेम्पल, जहाँ पे अभी हम जाके आए हैं। नरसिम्हा मंदिर जाने से पहले आपको यहाँ पे एंट्री पे ही मिल जाएंगे सबसे पहले भगवान गरुड़ देवता। यहाँ पे दर्शन करने को मिलेंगे गरुड़ देवता जी के।
यहाँ पे चलते हैं आगे। यहाँ पे आपको दीवारों पे बहुत ही ज़्यादा चित्र देखने को मिलेंगे, भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। और ये है गंधर्व का गिरिधारी नरसिम्हा मंदिर, एंड यहाँ पे आपको दर्शन करने को मिलेंगे भगवान विष्णु जी के नरसिंह अवतार के पूर्ण महिमा। नरसिंह अथवा मानव रूपी सिंह, भगवान विष्णु जी के अवतार जो आधे मानव एवं आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए हैं, जिनका सिर व धड़ तो मानव का था लेकिन चेहरा एवं पंजे सिंह की तरह थे। भगवान विष्णु जी अपने भक्त प्रहलाद को दैत्य हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए इस रूप में प्रकट हुए थे। भगवान नरसिंह श्री हरि विष्णु जी के उग्र और शक्तिशाली अवतार माने जाते हैं। यहाँ पर नरसिंह देवता के 10 प्रकार के दर्शन करने को आपको मिलेंगे। यहाँ पर मंदिर की परिक्रमा करते समय भी आपको नरसिंह देवता जी के दर्शन करने को मिलेंगे, इनके अलग अलग स्वरूप के यहाँ पे आपको दर्शन करने को मिलेंगे। और ये है योगानंदा नरसिम्हा, योग स्वरूप में बैठे हुए भगवान नरसिम्हा जी। यहाँ पे पूजा अर्चना की भी व्यवस्था रहती है, सो अगर आप पूजा अर्चना करवाना चाहते हो तो आप पंडित जी से पूजा अर्चना भी करवा सकते हो, एंड पूजा अर्चना के लिए जो भी सामग्री रहती है वो आपको मंदिर के अंदर ही मिल जाएगी। अंदर दर्शन और पूजा करने के बाद अब हम आगे यहाँ पे बाहर, यहाँ पे ये है गौ सेवा काउंटर। सो यहाँ पे आप गौ सेवा का लाभ भी उठा सकते हो। हिंदू धर्म में गाय बहुत ही पूजनीय है, एंड जो गौशाला है ये इन गायों को सुरक्षात्मक मीन्स प्रोटेक्टिव शेल्टर प्रदान करती है, एंड इनका फोकस रहता है गाँव को अच्छा ट्रीटमेंट मिले और एक अच्छी केयर मिले। यहाँ से आगे आपको दर्शन करने को मिलेंगे श्री भक्त बत्सला बालाजी मंदिर के। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कैसा है यहाँ पे नज़ारा। यहाँ पे बालाजी के मंदिर के साथ ही सामने यहाँ पे इस शेल्टर बनाया गया है जो कि स्पेशल गौओं के लिए ही बनाया गया है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से ये मेंटेन किया गया है। रियली ये गौशाला बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्पेस देखने को मिला। हमारी बच्ची भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी इन गायों को देख के, पूरा एंजॉय कर रही थी। दीदी कम। यहाँ पे भजन कीर्तन चल रहा था, सो यहाँ पे बालाजी के मंदिर में बहुत ही ज़्यादा रश था, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रश था। तो यहाँ पे ये है श्री बालाजी। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भी देखने को मिली श्री राधा कृष्ण जी के भजन पे, बहुत ही सुंदर, हमने तो बहुत ही ज़्यादा आनंद लिया। होपफुली आपने आज के ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार दीजिए। और अगर आपको यह गंधर्वी का गिरिधारी नरसिम्हा देवस्थान अच्छा लगा तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।